हेलो एवरीवन, मैं अनीता। अनीता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गवार की फली, जिसमें ना तो टमाटर की ज़रूरत है और ना प्याज की ज़रूरत है। तो चलो रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए गवार की फली और लहसुन, और ये बहुत जल्दी बन जाती है, ये भी झटपट वाली रेसिपी है। तो इसको मैं कढ़ाई में पानी रख के गर्म करती हूँ, उबालती हूँ इसको। ये पानी गैस पर रख दिया मैंने, इसमें फली डाल दूँगी मैं सारी। तो बॉईल करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, गलानी नहीं है हमने। जैसे इसकी तार सी निकलती है ना साइड में से, बस उबाल के वो निकालनी है। इसको उबलने के लिए रख देते हैं। ये बॉईल हो चुकी है, इसको अब मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, गैस बंद कर दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको छीलते कैसे। ये फली मैंने ठंडी होने के लिए रख दी थी। अब इसको हमने क्या करना है, इसको ऐसे करके छील करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। कई बार जो पकी फली होती है ना, तार सी निकलती है ऐसे, इन सबको निकालना है। सारी ऐसी करनी है हमने, ऐसे करके निकल जाती है तार सी, ये देखो ऐसे निकालनी है। ये कढ़ाई चढ़ा दी मैंने गैस पे, इसमें डालेंगे सरसों का तेल, तेल गर्म होने देते हैं। गैस मैंने तेज कर दिया, तेल अब गर्म हो चुका है। मैं इसमें डाल लहसुन, लहसुन लाल हो जाएंगे अच्छे से। ये लहसुन हमने जलाने नहीं है, लाल करने गोल्डन अच्छे से। और सरसों का तेल यूज़ कराया मैंने, कि रिफाइंड ऑयल में अच्छी नहीं बनती सब्जी ये फली वगैरह। ये अब गोल्डन हो चुके हैं हल्के से। अब इसमें डालेंगे फली, इतने ही गोल्डन करने हैं इसको, ज़्यादा जलाने नहीं है। तो फली डाल देंगे, गैस मैंने सिम कर दिया है अभी, इसको थोड़ा चला लेती हूँ। इसको अच्छे से ऑयल में कर लेते हैं ऐसे पलट के। इसमें टमाटर वगैरह नहीं डालते हैं, ये सिर्फ लहसुन में छौंकी जाती है। अब इसमें डालूंगी मैं हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी देगी मैं डाल रही हूँ, नमक, थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। अभी सबको चला लेंगे, इसके अंदर पानी नहीं कुछ नहीं डालना है, बिल्कुल सूखी बनती है ये। ये भी घुट जाएगी, मैं इसको ढक के रखूँगी ना तो ये आराम से घुट जाती है। और ये फटाफट बन भी जाती है। और इसको अगर बना के आप बाहर भी रख दोगे ना, ये ख़राब नहीं होती है। ये मिला दिए सारी अच्छे से, इसमें पानी उनी कुछ नहीं डालना है, ये भाप में पक जाएगी ऐसे ही। वैसे तो पकी हुई है ये, फिर बॉईल कर रखी थी हमने। इसको ढक देती हूँ मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, और गैस सिम कर दूँगी। ये सब्ज़ी बन के हमारी रेडी हो चुकी है, तेल छोड़ दिया इसने अच्छी तरीके से, ये घुट चुकी है, गैस मैंने बंद कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे
तो इसको लाइक करना ना भूलें। आपको फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय। Oh.